गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज का जो टॉपिक है वह है हिंदी व्याकरण में से। ठीक है, हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर हम आज पढ़ेंगे। पार्ट वन है वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब होता है कि जिनसे हम जैसे कि अ आ ई ई हो, ये जो स्वर होते हैं इनको और व्यंजन को ख ग घ, इन दोनों को मिलाकर जो शब्द बनाए जाते हैं, जो अक्षर बनाए जाते हैं, उनके समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्णों या अक्षरों का पूरा समूह वर्णमाला कहलाता है। ये जो स्वर है ये और ये व्यंजन है, इन दोनों के समूह को मिलाकर जो वर्णमाला बनाई जाती है। ठीक है, जैसे कि हिंदी वर्णमाला दो प्रकार के वर्णों से मिलकर बनी है। कौन कौन से वर्णों से मिलकर बनी है? स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। आपको पता है ना स्वर वर्ण क्या होते हैं? स्वर यानी अ आ ई ई उ री ए आई ओ औ अं अह, ये क्या है? स्वर है। लेकिन इसमें से भी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर होते हैं, इसमें से जो री है उसको स्वर में नहीं लिया जाता है और अह को भी स्वर में नहीं लिया जाता है। बाकी सारे जितने भी स्वर हैं उनसे ध्वनि निकलती है। ठीक है, जैसे आ आ की ध्वनि, ई ई की ध्वनि, ई उसकी ध्वनि, उ ऊ की ध्वनि, ऊ की ध्वनि। ठीक है ना, ए ए ओ ओ अंग। ठीक है ना, तो इन ध्वनि से जो है इसको व्यंजन के अंदर जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आता है 11 स्वर हो गए, अब होता है 33 यानी 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? चलो देखते हैं। ये है हमारे व्यंजन जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, क ख ग घ ड च छ ज झ य ट ठ ड ठ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष ह श त्र ज्ञ। और ये एक्स्ट्रा जो है संयुक्त वर्ण है श्र ड ढ। ठीक है, अब ये क्या है? व्यंजन है। कितने होते हैं? 33। इनमें इनसे और स्वर से, व्यंजन और स्वर इन दोनों को मिलाकर शब्द बनते हैं। ठीक है, इनमें से जो ये ड है इससे कोई शब्द नहीं बनता, ये बीच में आते हैं, शब्दों के बीच में आते हैं लेकिन इनसे शब्द स्टार्ट नहीं होता। और किससे नहीं होता? य से स्टार्ट नहीं होता कोई भी शब्द, ण से स्टार्ट नहीं होता कोई भी शब्द। ये यूज़ होते हैं लेकिन शब्दों के बीच में यूज़ होते हैं, इनसे कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता। और हेल्प के लिए इनको, व्यंजन को हेल्प कौन करता है? स्वर। स्वर हेल्प करते हैं ताकि आगे के वर्ण बन जाए। ठीक है, अब आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। इसमें देखो श त्र ज्ञ और श्र क्या है? संयुक्त व्यंजन, यानी कि जब एक से ज़्यादा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन का निर्माण क्या होता है? दो व्यंजनों के मेल से होता है, दो व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। जैसे श और क प्लस, क प्लस श क्या बन जाता है? श। त प्लस र बन जाता है त्र। देखो त र त्र, ज्ञ अ ज्ञ, श र श्र। ठीक है, तो इस तरीके से दो व्यंजन मिले तो क्या बना? संयुक्त व्यंजन बना। ठीक है, संयुक्त व्यंजन का निर्माण दो व्यंजनों के मेल से होता है, ये मैंने बता दिया। संयुक्त स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। देखो स्वरों को तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसमें किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं होती, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। अगर हमें स्वर व्यंजन से शब्द बनाने हैं तो हमें स्वर का यूज़ लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये भी बिंदु दोहराए। वर्णों या अक्षरों का पूरा समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण या कोई अक्षर, ये दोनों बात एक ही है, चाहे वर्णों को वर्ण बोलो या अक्षर बोलो, एक ही बात है। दो वर्ण, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। श त्र ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है, मैंने बताया ना, क और श मिलकर श, त्र ज्ञ और श्र। ठीक है,
स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका होमवर्क है। क्या है होमवर्क? क से श्र तक मिलाते हुए चित्र पूरा कीजिए। अब ये देखो, क यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से आपको ख ग घ, अब ये मैं पूरा कंप्लीट नहीं करूँगी, आप इसको मिला के इस, ये क्या बनेगा? एलिफेंट बनेगा। ठीक है, तो आप क से श्र तक को मिला के एलिफेंट बनाओगे और इसमें क्या करोगे? कलर भी करोगे। ठीक है, कलर से और अच्छा हो जाएगा, लेकिन पहले अच्छे से डार्क मिलाना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब आता है आपकी नोटबुक का होमवर्क। ठीक है, ये है पार्ट वन वर्णमाला। ठीक है, इसमें आपको जो हिंदी की जो दूसरी नोटबुक है उसमें ये वर्क करना है। ठीक है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए, हिंदी वर्णमाला के प्रकार लिखिए। अब हिंदी वर्णमाला के प्रकार कितने अभी बताया था? हिंदी वर्णमाला दो प्रकार के वर्णों से मिलकर बनी है, कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हिंदी, दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर और व्यंजन होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, अभी बताया था मैंने ये भी आपको। अब है हमारा तीसरा क्वेश्चन है, स्वर और व्यंजन लिखिए। तो हमने पहले स्वर लिखे, अ आ ई ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग अह। फिर व्यंजन लिखे, क ख ग घ ड च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब ब म य र ल व श श ष ह श त्र ज। ओके, इट इज़ क्लियर? तो हमने स्वर और व्यंजन जिस तरीके से देखो मैम ने वर्क किया है, उसी तरीके से आपका वर्क हिंदी की नोटबुक में नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जिस जहाँ पर जितनी लाइन को लीव किया है, उतनी लाइन को लीव करके आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू।